अजी इंस्टाग्राम पे आपसे पूछा था आपने क्या पच्चीस हजार पाउंड और अभी आप कह रहे हैं फ्री में ये क्या अजीब बात करते हैं आप दो किस्म की आपने फीस देनी होती है हेल्थ केयर जो वर्क परमिट होता है उसकी फीस काफी कम होती है कि आपके जो कंपनीज होती हैं या इंजीनियरिंग में भी ऐसे होता है वो कंपनीज आपकी जो वीजा फीस भी होती है वो भी पे कर देती हैं और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी पे कर देती है लेकिन आपको आइड्स भी रिक्वायर्ड होता है ठीक है मिनिमम आइड्स की रिक्वायरमेंट हर वर्क वीजा के लिए डिफरेंट होती है दो तो नंबरी करते हैं एजेंट्स एजेंट्स दो तो नंबरी क्या करते हैं यूके में ना इतनी तेज़ बारिश है। मैंने साल में कुछ चार दफ़ा ही देखी है इतनी तेज़ बारिश जो है ना वो नहीं होती मतलब ये देखें वैसे पाकिस्तान में और इंडिया में मुझे पता है नॉर्मल यही बारिश होती होगी यही तेज़ बारिश होती है लेकिन यहाँ पे यहाँ पे क्या चक्कर है कि तो ये वाली जो बारिश है ना, ये यहाँ पे कभी कभार होती है इतनी तेज़ वैसे यहाँ पे बहुत मासूम मासूम बारिश होती है तो सर बारिश तो हो रही है मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में कि यूके का जो वर्क परमिट होता है वो कितने का मिलता है उसकी कितनी फीस कितनी होती है लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि जी यूके का वर्क परमिट क्या प्राइस है कितने का मिलता है और लीगल होता है इलीगल होता है क्या प्रोसीजर होता है थोड़ा बहुत प्रोसीजर भी बताऊंगा आपको लेकिन ज्यादातर मैं आपको इस वीडियो में यही चीज बताने लगाऊँ कि पैसे कितने लगते हैं और वो पैसे कहाँ पे किसको देने होते हैं तो वर्क परमिट जो है यूके का वो कैसे मिलता है पहले उसको जान लेते हैं फिर उसके बाद बात करेंगे कि उसकी फीस कितनी है तो वर्क परमिट का मेथड ये होता है कि सबसे पहले आपको यूके के अंदर कोई जॉब चाहिए होती है अगर आप बाहर से अप्लाई करें यू के बाहर से तो फिर आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है या फिर आपका कोई इधर कोई बहुत बड़ा रेफरेंस हो वो आपको जॉब ऑफर कर दे ठीक है बहुत बड़ा रेफरेंस ठीक है ये नहीं कि आपके कोई रिश्तेदार रिलेटिव हैं शायद आपकी हेल्प कर सके लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही है 99 परसेंट चांसेस यही है कि आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता अगर करना चाहे तो भी नहीं कर सकता अच्छा अब स्पॉन्सर जॉब चाहिए होती है आपको जॉब ये नहीं कि कोई भी जॉब चाहिए हो एक स्पॉन्सर जॉब चाहिए होती है अब स्पॉन्सर जॉब आपको यूके में अगर आप स्टूडेंट वीजा पे हैं या किसी भी और वीजा पे भी हैं अगर आप तो यूके में भी आपको लॉन्ग टर्म में रहने के लिए वर्क परमिट या स्पॉन्सरशिप जॉब चाहिए ही होती है और स्पॉन्सरशिप जॉब आपको मिल जाती है फिर उसके बाद आप जो भी उसकी फीस होती है वो आपको पे करनी होती है अब मैं आपको बताता हूँ कि कितनी फीस पे करनी होती है भाई जो ऑफिशियल और लीगल तरीका है उसके मुताबिक तो यही है दो किस्म की आपने फीस देनी होती है एक फीस ये होती है जो गवर्नमेंट की होती है जो इसको वीज़ा फ़ीस कहते हैं वो डिपेंड करता है कि आपका कौन से टाइप का वर्क परमिट है हेल्थ केयर वर्क परमिट है हेल्थ केयर जो वर्क परमिट होता है उसकी फीस काफ़ी कम होती है उसकी ढाई सौ पाउंड होती है टू फिफ्टी पाउंडस और अगर आपका कोई और वर्क परमिट है स्किल्ड वर्कर है तो उसकी कोई और फीस होगी उसकी भी मेरे ख्याल से सात सौ पाउंड होती है तो मैक्सिमम जो है वो आठ सौ पाउंड तक फीस जाती है इससे ज़्यादा फीस नहीं होती जो गवर्नमेंट की फ़ीस होती है इसके अलावा आपने साथ हेल्थ इंश्योरेंस की फीस भी देनी होती है हेल्थ इंश्योरेंस कितनी देनी होती है वो होती है 625 पर ईयर यानी अगर आपका वर्क वीजा जो है वो दो साल का है तो फिर आपने 625 को मल्टीप्लाई बाय टू करना है और अगर आपका वीज़ा जो है या जो भी आपकी जॉब है वो पाँच साल की है तो फिर आपने पाँच साल का जो है हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी है अगर दो साल का है तीन साल का जितने साल का फिर आपने उतनी हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी होती है लेकिन अगर आप अपने साथ जो है वो डिपेंडेंट्स uh, के साथ अप्लाई कर रहे हैं जैसे आपके साथ बच्चे हैं या आपकी वाइफ है या आपके हस्बेंड के लिए अप्लाई करें तो आपने उनकी जो है वीज़ा फ़ीस भी देनी होती है डेफ़िनेटली जितनी आपने अपनी दी है और हेल्थ इंश्योरेंस भी उन्हीं की भी उतनी ही होती है अगर आप हेल्थ केयर वीज़ा पे आ रहे हैं या मेडिकल का कोई एन एच एस रिलेटेड कोई भी वीज़ा तो फिर आपने उसकी जो फ़ीस होती है हेल्थ इंश्योरेंस की वो एग्जेम्ट होती है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से वीज़ा पे हैं तो ये हर किसी की जो है ना फीस अपनी होती है अच्छा एक और चीज़ होती है अगर आप किसी बड़ी अच्छी डिग्री आपके पास जैसे आपने कोई डॉक्टरी की भी या कोई पीएचडी है आपके पास कोई आईटी की कोई ऐसी डिग्री है जिसकी हाईली डिमांड है तो ज़्यादातर ये होता है कि आपके जो कंपनीज होती हैं या इंजीनियरिंग में भी ऐसे होता है वो कंपनीज़ आपकी जो वीज़ा फ़ीस भी होती है वो भी पे कर देती हैं और वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी पे कर देती हैं लेकिन ये तमाम केसेस में इस तरह नहीं होता अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया सीधा सीधा लीगल जो फीस होती है तकरीबन अगर मेरे ख्याल से तीन साल का वीज़ा लगता है यहाँ तो यह लगता है पाँच साल का तो अगर तीन साल का वीज़ा लग रहा है किसी बंद का तो दो हज़ार पच्चीस सौ पाउंड जो है ना उसकी फीस बन सकती है तो अगर किसी का पाँच साल का लग रहा है तो उसकी तीन चार हजार पाँच हजार पाउंड भी उसकी फीस बन सकती है चार से पाँच हजार पाउंड एक बंदे की अगर आप दो तीन बंदे अप्लाई कर रहे हैं मतलब आपके साथ हस्बैंड बीवी बच्चे भी हैं तो आप उनका भी अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको उनकी फीस भी मिला के आपको तकरीबन पाँच हजार चार से पाँच हजार एक बंदे की कर ले तो फिर तीन बंदे हैं तो फिर पंद्रह हजार पाउंड आपको इनकी फीस देनी पड़ेगी डिपेंडिंग ऑन के आपका कौन सा वीज़ा है इसके लिए आपको आइट्स भी रिक्वायर्ड होता है ठीक है मिनिमम uh, आइड्स की रिक्वायरमेंट हर वर्क वीज़ा के लिए डिफरेंट होती है लेकिन मिनिमम uh, जो है वो 5.5 बैंड जो है वो मिनिमम होता है हेल्थ केयर के लिए भी जो हेल्थ केयर का ये जो वीज़ा आजकल uh, चला हुआ है बहुत ज़्यादा अब मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो एजेंट हैं कहते हैं जी बीस हज़ार का पच्चीस हज़ार पाउंड का वीज़ा मिल रहा है कल मुझे इंस्टाग्राम पे भी एक uh, मैसेज आया मैंने जो वीडियो डाली कि मुझे स्पॉन्सर जॉब मिल गई तो uh, मैंने तो उसमें बताया कि जी मुझे तो फ्री मिली है लेकिन मुझे एक बंदे ने कहा जी इंस्टाग्राम पे आपसे पूछा था आपने कहा पच्चीस हजार पाउंड और अभी आप कह रहे हैं फ्री में ये क्या अजीब बात करते हैं आप तो मैं उसका भी आंसर भी दे दूँ और आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि भाई जो लीगल वे होता है मैंने आपको बता दिया वो यही होता है कि आपको कोई भी फी जो है ना एक्स्ट्रा इसके अलावा जो फीस मैंने आपको बता दी है इनके अलावा आपको कोई और फीस नहीं देनी होती लेकिन मसला ये आता है कि भाई वर्क परमिट यूके का सिर्फ उसी को मिलता है जिसके पास हाईली स्किल्ड है कोई ऐसी स्किल्ड है जो यूके में जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है और आप, आपको काम भी बहुत ज़्यादा आता है अब जब आपके पास अगर आ, कोई ख़ास ऐसी स्किल भी नहीं है जिसकी बहुत ज़्यादा यूके के अंदर डिमांड हो और आपकी एजुकेशन भी नहीं है और फिर भी आप कहें कि मुझे यूके का वर्क परमिट मिल जाए तो फिर यूके में उसको वर्क परमिट नहीं मिलता तो उसको दो नंबरी करते हैं एजेंट्स एजेंट्स दो नंबरी क्या करते हैं कि भाई बाहर से किसी भी कंपनी का आपको जो है ना कोई भी कंपनी समटाइम्स वो कंपनी नाकस कंपनी भी हो सकती है सही कंपनी भी होती है तो अब मैं कुछ नहीं कह सकता वो वहाँ किसी भी कंपनी का वीजा पकड़ते हैं और वहां से आपको कहते हैं जी हम आपको स्पॉन्सरशिप देंगे तो भाई उनको आपको स्पॉसरशिप देने का कोई फायदा नहीं होता ठीक है उन्होंने करना ये होता कि आपको कहते हैं भाई बीस पच्चीस हजार पाउंड हमें दे दे तो हम आपका वीजा लगवा देते हैं ज्यादातर ये हेल्थ केयर वीज़ा में हो रहा है तो भाई मैंने उसको भी यही बोला था कि जो वीज़ा है उसकी कोई फीस नहीं होती लेकिन उससे बार बार लोग यही मुझसे पूछते हैं कि भाई नहीं तो फिर फलाना टीका बनना मुझसे पंद्रह हजार पाउंड क्यों मांग रहा है तो भाई वो एक इनलीगल मैथड होता है ठीक है उसमें इन लिगल मैथड में कोई बीस हजार मांगता है वो एजेंट की फीस है उसकी मर्जी है वो दस हजार ले पचास हजार ले दस लाख ले ले आपसे ठीक है ये तो उसकी मर्जी है इस पर मैं कोई एजेंट नहीं हूँ और मेरे पास कोई ऐसा एजेंट मौजूद भी नहीं है अक्सर लोग पूछते हैं कि आप किसी एजेंट का नंबर दे दे तो भाई मेरे पास कोई एजेंट नहीं है और ये इलीगल काम है मैं इन काम बिल्कुल भी नहीं करता और इसको बिल्कुल मैं तो कंडेम करता हूँ करना भी नहीं चाहिए इसे क्योंकि हम लोग सारे परचेज कर रहे हैं बाय कर रहे हैं तो इसी वजह से जो है ना बहुत सारे जो लोग जिनको फ्री में ये वीज़ा मिलना चाहिए था वो फ्री में नहीं मिलता फ्री में इसी वजह से नहीं मिलता क्योंकि लोग पैसे दे खरीदने को तैयार हैं तो भाई फिर फ्री में क्यों नहीं है तो ये सीन है भाई वर्क वीज़ा जो है वो इतने का मिलता है मैंने आपको बता दिया जो लीगल वे में आएंगे और इन लीगल वे में आएंगे तो उसकी कितनी फीस है लीगल वे है जो तरीका है उसकी कितनी फीस है तो जो लीगल वे होता है उसमें तो डेफिनेटली आपको जॉब भी मिलती है समटाइम्स लोग कहते हैं जी इ लीगल में आजाद वीज़ा भी आजकल सुना है जी बिक्रा तो आजाद वीजा टाइप की कोई चीज़ नहीं होती वो यही होता है कि आपको किसी कंपनी में शो कराते हैं कि जी ये इस कंपनी में काम कर है तो उस कंपनी में जब आप काम कर तो नहीं रहे होते लेकिन उन्होंने शो कराया होता है फिर आपसे वो कहते हैं हर महीने पाँच सौ पाउंड छे सौ पाउंड चार सौ पाउंड डिपेंडिंग आप ऑन के उन्होंने आपकी कितनी सैलरी शो की हुई है उतना आपसे वो टैक्स भी चार्ज करते हैं जब तक आप यहाँ पे रहेंगे वो कहते हैं जी हमें इतना इसमें से टैक्स भी चाहिए अच्छा वो कंपनी किसी भी टाइम अगर बंद हो जाए तो आपका वीजा खत्म हो जाता है आपको फिर किसी या तो आपके पास दो महीने होते हैं आपको दो किसी और वीजा पे या तो कन्वर्ट होना है मतलब किसी और कंपनी फिर आपको करना पड़ेगा या फिर आपको वापस जाना पड़ेगा एक और चीज़ इसमें ये होती है कि जब जिनने इन लीगल तरीके से वीजा लिया होता है फिर उनका वीजा जो है वो तीन साल का है तो जब उनका वीजा खत्म हो जाता है मतलब आपने पांच साल तक तो यहाँ पे यूके में वर्क परमिट पे रहना होता है आ, उसके बाद ही आपको परमानेंट रेजिडेंस जिसको पी कहते हैं आपको मिलेगी लेकिन अगर आपका वो वीजा पहले खत्म हो जाता है पांच साल से पहले यानी दो साल का है तीन साल का है जितने भी सालों का आपका वीजा था वो खत्म हो गया तो उसमें फिर आ, आपको दोबारा से एजेंट जो है वो कहते हैं कि अगर आप दोबारा उसको एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो उसकी लीगल फीस तो वही जितनी मैंने अभी बताई है उतनी होती है लेकिन एजेंट्स कहते हैं जी अभी पैसे दोबारा से जो बीस पच्चीस हजार रुपये आपने पहले दिया था बाद में पता नहीं कितने डिमांड कर लेनी करें ना करें तो वही इलीगल कामों से वैसे तो दूर ही रहना चाहिए लेकिन क्योंकि लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं क्या चल रहा है तो मैंने कहा आप लोगों को ये वीडियो में एक्सप्लेन कर दो थैंक्स फॉर वॉचिंग I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind?